नमस्कार और आदाब सनीचर है। जून के 20 तारीख पेशे 7 दिन के खबरें। कोविड 19 के कुछ न्यूज है। ये कोरोना वायरस या वायरस के बारे में कुछ जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। अफसोस की बात यह है कि टेलर जो है ये 8 पर आकर पहुंच गए हैं। 8 लोगों का देहांत हो गए है सूरीनाम देश में ये कोविड 19 वायरस से। सोमवार को 2 लोगों का देहांत हुआ है, मंगल को फिर 1 शख्स का देहांत हुआ है, बेफे को भी 1 शख्स और कल सुबह के सुबह में 1 और शख्स का देहांत हो गया है। मिलाकर 8 लोग हैं जिनके देहांत कोविड 19 वायरस से हुआ है सूरीनाम देश में। इसमें 1 ब्राजीलियन है और 7 सरनाम के लोग हैं, 6 मर्द हैं और 2 स्त्रियां। ये कोविड 19 को नाश करने के लिए, इसमें मदद देने के लिए KLM के एक फ्लाइट से पिछले हफ्ता सूरीनाम देश में कुछ मेडिसिन फ्रब्रग्स मेडलिन आई है। KLM एक लादिंग लाई है मेडिसिन फ्रब्रग्स मेडलिन मेडिसिन स्पिलन सामान का, जो लोग यहां पर अस्पतालों में इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों के इलाज के वास्ते। ये डोनाटिस से ख़रीदा गया है और ये डोनाटिस जो है ये स्टिफ्टिंग सू फॉर सू कुछ सूरीनाम देश के ब्रेव्स लीफ इनके लोग जो है पैसा एकत्र किए थे और इसी पैसा से ये सामान खरीदा गया है। हॉलैंड में भी लोग कुछ पैसा डोनाटिस से एकत्र किए हैं, कुल मिलाकर कहते हैं लगभग 1 मिलियन यूरो, जो मुमकिन है सूरीनाम देश में मदद के लिए कोविड वायरस के नाश करने के लिए इसमें लगाया जाएगा। हॉलैंड भी 10 बादेविंग स्टूस्टेलिन का वादा किए है सूरीनाम देश के देने के लिए। मुमकिन आने वाले सप्ताह ये बादेविंग स्टूस्टेलिन भी सूरीनाम देश में आ जाएगा। KLM एक फ्लाइट जो आए थे यहाँ पर KLM का ये जो सामान लेकर, तो कुछ पासाशीर्स जो यहाँ सूरीनाम देश में कोविड के वजह से फंसे हुए थे वापस अपना देश नहीं जा पाते थे। आपको पता है लुख्तरम कई दिनों से बंद था, तो ये खस्तरंद पासाशीर्स को वापस हॉलैंड ले गए है। वैसे पिछले हफ्ता KLM ये ऐलान कर चुके थे कि ये सब हर एक शनिचर को उड़ान करने वाले हैं सूरीनाम देश के तरफ। ये कोविड से जुड़े हम आपको ये बता दें कि रोजवेल्ट गोल्ड माइन IM गोल्ड के प्लान पर अब पता चला है कि वहाँ पर भी लोगों को ये कोविड 19 वायरस है। कुछ बसमैतिंगन है और खोजबीन पर और टेस्ट लेने के बाद ये पता चला है कि अब लगभग 11 लोग बसमैत है पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। और इसी सिलसिले में कुछ मेडिसी जो है कोविड 19 टीम का ये सब वहाँ पर गए थे देखने के लिए, वहाँ का हालात देखने के लिए। ये पता चला है कि वहाँ का जो मजदूर है जिस कमरे में लोग रहते हैं वहाँ का फेंटिलेशन ठीक नहीं है। और दूसरा बात ये है कि कुछ ऐसे मजदूर हैं जिन लोगों को 2 या 3 लोगों को एक कमरे में रहना पड़ता है, तो इन लोगों के लिए मुमकिन नहीं है सोशल डिस्टेंस पर गौर करने के लिए, क्योंकि ये जो 2-1.5 मीटर का फासला लोगों को रखना चाहिए ये नहीं हो पाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कमरे ठीक नहीं है इस समय के वास्ते वहाँ पर रहने के वास्ते। वैसे ये खबर भी बाहर आई है कि एक शख्स का देहांत रोजवेल्ट गोल्ड माइन का एक मजदूर एक कार्यकर्ता का देहांत कोविड 19 वायरस से हो गया है, लेकिन पूछताछ पर ये कहा गया है कि अभी तक नहीं पता है, ऑफिशियल खबर नहीं है कि वास्तव में ये शख्स का देहांत कोविड 19 से हुआ है या नहीं, क्योंकि टेस्ट लेने के बाद ये पता चला है कि तमाम टेस्ट जो है ये नेगेटिव थे। तो अभी इस मामले पर खोजबीन हो रहा है। वैसे पिछले हफ्ता बताया गया था, मीडिया में खबरें आए था कि जो लोग बिना किसी कारण बगैर इजाज़त से सड़क पर आएंगे लॉकडाउन के समय उन लोगों को बूता भरना पड़ेगा और रकम लिया गया था, कहा गया था 25,000 SRD। लेकिन अब ये पता चला है कि एक प्रेसिडेंशियल बसलौत के आधार पर जो लोग कोविड 19 मातरेखलन पर गौर नहीं करेगा, जो लॉकडाउन के समय कोविड 19 मातरेखलन पर गौर नहीं करेगा, बूथस जो है यह सब तय हो चुका है और सबसे ज़्यादा है रकम जो आपको भरना पड़ेगा यह है 1500 SRD 1500 SRD। और यह उन लोगों के लिए जो ओपन बार वाह पर आते हैं सड़क पर आते हैं या पानी से होकर लोगों के सवारी करवाते हैं, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं।
एतवार और बुध को जो लोग जब तो लॉकडाउन रहता है, जो लोग सड़क पर आते हैं उन लोगों को एक बूथ मिल सकता है 1000 SRD का। सामंसोलिंग्स फरबॉत, जो लोग इस पर गौर नहीं करेंगे और 5 से ज़्यादा लोग कहीं पर दिखाई देगा तो मैक्सिमम 5 परसों से ज़्यादा अगर कहीं पर दिखाई देगा तो लोगों को एक बूथ भरना पड़ेगा 500 SRD का आपको मिल सकता है। जो लोग सड़क पर जाएंगे और अगर सड़क पर बिना कोई वजह का आप सड़क पर जाएंगे बिगर कोई काम से और 5 लोगों से ज़्यादा एक जगह पर एक साथ दिखाई दिया तो लोगों को 350 SRD बूथ मिल सकता है। और जो लोग लेटर सिस्टम पर गौर नहीं करेगा, आप अपना ख़रीदारी करने के लिए घर से निकलेंगे लेकिन उस दिन शायद आपका जो फैमिली नाम का पहला अक्षर, पहला लेटर जो है उस दिन उनको घर पर रहना है, उनको इजाज़त नहीं है सड़क पर जाने के लिए। और तो भी आप जाएंगे ख़रीदारी या कुछ भी करने के लिए, घर से आप बाहर निकलेंगे सड़क पर आप आएंगे तो 250 SRD बूटा आपको मिल सकता है। जो लोग बगैर मंथ एंड नर्स कप के साथ बाहर जाते हैं उन लोगों को भी 150 SRD बूटा मिल सकता है। ये कुछ रकम, कुछ बदराखन है जो तय हुआ है ये प्रेसिडेंशियल बसलाउट से। वैसे हम आपको बता दें कि कोविड 19 मैनेजमेंट टीम का जो प्रेस कॉन्फ्रेंसी आप देखते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसी कल सुख के वास्ते टाल दिया गया है, ये जारी नहीं हुआ है। कल के लिए ये कहा गया है कि आज शनिचर को प्रेसिडेंट देसी बौद्ध एक स्टेटमेंट देने वाले है। फरकी सिंह का चर्चा अभी तक हो रहा है और आपको पिछले हफ्ता हम बताए थे कि जून के 16 तारीख मंगल को सेंट्रल होप स्टैम्प ब्यूरो जो है एक ओपन बार सीटिंग लगाने वाले है और ये साना बोधाया में होता, ये हुआ है भी। और इस ओपन बार सीटिंग पर अउचलांग जो फरकी सिंह का है, सभी 10 डिस्ट्रिक्ट में, सूरीनाम देश के सभी 10 इलाकाओं में ये तय हुआ है, फसल किया गया है। ये कहा गया है, यह बताया गया है कौन से पार्लियामेंटारियंस चुना गया है, कौन फोरगोर पर अंदर आए हैं और अनेक पार्टियों को कितना वोट, कितना स्टेमन मिला है। सेटल फरदेलिंग जो पेशतर कहा गया था इसमें कोई बदलाव नहीं आए है। जैसे पेशतर कहा गया था फेहा पे को 20, त्विन तक दयाना सेटल से, NDP को 16, आबॉब को 8, NPS को 3, बेप को 2 और PL को भी 2 सीट्स, 2 सेटल्स मिला है। कहने के बाद जरूर है कि PL के लिस्ट पर जो एक सेटल मिला है एक कैंडिडेट को, ये आबॉब का कैंडिडेट है क्योंकि फरकी सिंह से पहले PL और आबॉब ये एग्जामिन वर्किंग दोनों दस्तखत किए थे एक साथ मिलकर काम करने के लिए। तो जो कैंडिडेट PL के लिस्ट पर अंदर आए है ये वास्तव में आबॉब का एक पार्लियामेंटेरियन है, एक कैंडिडेट है। 2 हफ्ते के अंदर ये सभी जो देना लेदन है इन लोगों को स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, बैठक लेने को देना में ये सब पार्लियामेंटारियन बनना चाहते हैं और खलोस ब्रीफिंग इन लोगों को भी इन दिन करना चाहिए। पहला देना फरखादरिंग जो है ये प्लान किया गया है 29 तारीख 29 यूनी के वास्ते और तुलातिंग और बेदखिंग के बाद, सभी लेदन के तुलातिंग और बेदखिंग के बाद एक फोर्शितर और फिस फोर्शितर जो है देना का चुना जाएगा। वैसे एक बसवार शरीफ अंदर आए थे, लोग इतराज किए थे और हेयर स्टेमिंग का मांग किए थे RR-NIFO के 3 स्टेम ब्यूरोज पर कि RR-NIFO पर एक हेयर स्टेमिंग या एक हेयर टेलिंग आई, लेकिन इस पर CHS का फोर्शितर ओशैना मैरकोस ने कहे है गौर नहीं किया जाएगा, इस पर CHS सेंट्रल होप स्टैम्प ब्यूरो गौर नहीं किए है। सभी प्रोसेसिंग फिरबाल जो है ये दस्तखत हुआ है फोर्शितर और लेदन के जरिए सेंट्रल होप स्टैम्प ब्यूरो का और इसको प्रेसिडेंट देसी बौद्ध और ओका बी के लिए भेजा गया है। ओका बे जो है अनाफंकलक किस बीरो जो है ये सब सुख को 19 तारीख कल सुबह में 11 बजे रॉयल तुरारिका के बॉल रूम में एक ओपन बार फरखादरिंग लगाई है। अर्चलाख फरकी सिंह जो 25 मई 2020 को हुआ है इसे बिंदन फरकलार करने के लिए। हम आपको बता दें कि DNA-NIFO पर ये सभी 10 डिस्ट्रिक्ट में फरकी सिंह बिंदन फरकलार हुआ है
और बाकी का जो एर एर और दे एर निफो के बारे में हम आपको बता दें कि 9 डिस्ट्रिक्टन में किस डिस्ट्रिक्ट एम परमारिबो के छोड़कर 9 डिस्ट्रिक्टन में किस डिस्ट्रिक्ट ट्वी तो में किस डिस्ट्रिक्ट तीन में ये अवचला जो है एर एर और दे एर निफो पर भी बिंदन फरकलार हुआ है। किस डिस्ट्रिक्ट एम परमारिबो में 12 रिसोर्टन में से 10 रिसोर्टन का अवचलाह बिंदन फरकलार हुआ है। 2 रिसोर्टन तमेंखा और पोनबावितन जो है यहाँ पर फिर से लोग खोजबीन करने वाले हैं, अवचलाह पर गौर करने वाले हैं और 3 हफ्ते के अंदर ये जो है लोग फैसला सुनाएंगे और ये अवचलाह मुमकिन भी बिंदन फरकलार किया जाएगा या फैसला लिया जाएगा कि ये दोनों रिसोर्टन के जो अवचलाह है इससे क्या आगे होगा। ओकाबे का फोर्सेटर जो है यानिफर फंडेक्सिलोस ये कहे है कि जो अगर देखा जाए फरकी सिंह 25 मई 2005, 2010 और 2015 एक फरखलेकिंग किया जाए तो जो इस साल का फरकीसिंग था 25 मई 2020 का द स्लेक्स गोऑर्गेनाइजेड फरकीसिंग था इतिहास में जो उन्होंने जहां पर वो शामिल थे और जिसमें उसका हाथ था। वो कहे है कि ये स्लेक्स गोऑर्गेनाइजेड फरकीसिंग था और इसलिए ये भी कहा गया है कि एक अनाफांकलक फरकीसिंग ऑथोरिटी पहले से अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये अनाफांकलक फरकीसिंग ऑथोरिटी जो है जितना जल्द हो सके इन्हें ठहराना चाहिए। तो ये पता आपको चल गया है ये फरकीसिंग जो है दयानानी फो पर बिंदन फरकलार हो गया है। इसका मतलब ये है कि आने वाले 29 तारीख जून को पार्लियामेंट में जो खकोस दयाना लेथे जिनका उम्र सबसे ज़्यादा है de oudste in aantal jaren in leeftijd, उनको फंखेरन फोर्सेटर ठहराया जाएगा और इनके निर्देशन में सभी पार्लियामेंटारियर्स खकोस पार्लियामेंटारियर्स जो है इन लोगों का तुलादिंग और बेदिंग तुलादिंग होगा और उसके बाद एक फोर्सेटर और एक फीस फोर्सेटर चुना जाएगा। वैसे पिछले हफ्ता हम आपको भी ये बताए थे कि 34 सीटल्स को ज़रूरी है उसके बाद पंच घर में पार्लियामेंट में एक प्रेसिडेंट और फीस प्रेसिडेंट चुनने के लिए इस वक्त का जो कोवालिटी लोग बनाना चाहते हैं फेहा पे आबो पीएल और एनपीएस इन लोगों के पास 33 सीटल्स है और ये समस्या में अब बेप पॉलिटिकल पार्टी बेप जो है कहते हैं कि ये सब अपना मदद देने वाले हैं, ये सब मदद करेंगे प्रेसिडेंट और फिर से प्रेसिडेंट को चुनने के लिए लोग इन लोगों का साथ देंगे। अगर बेप के 2 सीटल्स गिना जाए इसमें गिनती किया जाए तो 35 सीटल्स हो जाएगा और इसके साथ आसानी से लोग पार्लियामेंट में एक प्रेसिडेंट और फिर से प्रेसिडेंट चुन कर सकते हैं ये चुना जाएगा। और इसके लिए तो मतलब ये है कि फे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी समय भी लगेगा और काफ़ी पैसा खर्च होगा जो इस वक्त सुरीनाम देश को नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियों का जो लीडर्स है जो लोग नया कोअलिटी बनाना चाहते हैं फेहा पे आबोब एनपीएस और पीएल का जो लीडर्स है ये सब को काफ़ी हैरान हुआ है ये बात सुनकर कि इस वक्त का जो रखेरिंग है अभी तक प्रेसिडेंट बाउतश और अधीन का रखेरिंग जो है ये सब बहुत से ऐसे गलत कदम उठाते हैं, बहुत से ऐसे काम करते हैं जो सही नहीं है अनेक मिनिस्टेरीज और परस्ताल विद्रायफन में लास्ट मिनट बनुमिंगन होता है और कॉन्ट्रैक्टन दस्तखत किया जाता है तेवी का के साथ तुरखवरकंद क्राफ्ट के साथ। इससे कहा गया है कि सुरीनाम का जो आर्थिक स्थिति जो है फाइनेंशियल हालात जो है पहले से इतना ख़राब है तो इस फाइनेंशियल स्थिति जो सुरीनाम देश का फिनेंशियल स्टेट है इस पर और दबाव आएगा ओवरहेड्स फिनांसियन पर और दबाव आएगा और ये बहुत अफसोस के बात है कि ऐसा होता है। इसलिए जो लीडर्स हैं या पॉलिटिकल पार्टियों का कहते हैं लोगों से गुजारिश करते हैं ऐसा नहीं करने के लिए और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत करने के लिए ये कहा गया है कि अगर ये सब सरकार बनाएंगे तो ये देखा जाएगा कि कानूनन ये कॉन्ट्रैक्टन जो दस्तखत हुआ है सही है या नहीं और अगर नहीं होगा तो हो सकता है ये तमाम कॉन्ट्रैक्टन जो है खारिज होगा और ये बनुमिंगन ये फिर से वापस किया जाएगा। इसमें
से एक बनुमे है देव आबलीफ इनका डायरेक्टर एन हा का नतुलक हुलब्रॉन इनका जो इस हफ्ता में डायरेक्टर एनर्जी ऑथोरिटी का ठहराया गया है और ये कहा गया है कि इनका महीनावार तनख्वाह लगभग 45,000 SRD रहेगा। काफ़ी बारिश होने के वजह से लावा और तपना होने खबीदन में वहाँ पर जो लोगों का ज़मीन है ये डूब गया है। तो यहाँ संदरई के पीछे भी ऐसा मामला कुछ है। अमखेफिन कोला क्रीक इलाका पारा में भी बहुत से ऐसे जगह पानी के नीचे आ गई है, डूब गई है। बहुत से एयर स्ट्रिप्स जो है बेनलांग में बंद है और मेदी से सेंडिंग जो है साउथ सुरीनाम में नहीं जा पाते हैं। वहाँ पर कोविड 19 के खोजबीन या टेस्टिंग के वास्ते जहाँ पर बहुत से लोग पॉजिटिव भी पहले टेस्ट हो चुके थे। ये लॉकडाउन के वजह से एयर स्ट्रिप्स बंद है तो लोग वहाँ पर सामान, खाने पीने का सामान, फूडिंग मेटलन भी नहीं पहुँचा पाते हैं। इससे वहाँ का जो जनता है इन लोगों की काफ़ी तकलीफ होगा। और अगर ये बारिश जो है ये जारी रहेगा, ये बारिश होगा आगे में, तो वहाँ से लोगों को अपने घरों से निकालना पड़ेगा, कहीं और ले जाना पड़ेगा, कहीं और रखना पड़ेगा, इन लोगों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। पुराना प्रेमियर एक्स प्रेमियर शुल सेटनी का देहांत हुआ है। बीते हुए बीफे को 97 साल के आयु में सेफ ने तैयार लीव दे पर सेटनी जो है 1955 में यूनिवर्सिटेट आमस्टरडम पर प्रोमोफेयर हुए थे डॉक्टर इन इकोनॉमिक्स वेतनस्खापन। जिंदगी में बहुत से नाम कमाए, सुरीनाम देश में बहुत से पदवी पर अपना काम दिए है, अपना मदद दिए है। ये लिथा स्टाटन फन सुरीनाम का लिडर स्टाटन फन सुरीनाम था, मिनिस्टर फन फिनंसियन था अपने ज़िंदगी में। एक समय था वो मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी था और भी वे प्रेसिडेंट रह चुके हैं सेंट्रल बैंक फन सुरीनाम का। यहाँ से हम इन परिवारों को, इनके परिवारों को, शुल सेटनी के परिवारों को हम सब शोक संवेदना प्रस्तुत करती है। ये आखिरी खबर है आज 7 दिन। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।